आज ब्लॉग में क्या बनाऊं? क्या आपके पास कोई कंटेंट है? क्या आपके पास कोई कंटेंट है? कंटेंट मिलेगा क्या? कंटेंट मिलेगा क्या? दोस्त से हेल्प मांगना पड़ेगा। हेलो भाई, कंटेंट मिलेगा क्या? बिट्टू, कंटेंट मिलेगा क्या आज के ब्लॉग के लिए? ओके, कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हो तो ये क्वेश्चन आपके जहन में रहेगा कि आज ब्लॉग में क्या बनाएं, क्या बनाएं, तो कंटेंट कहाँ मिलेगा? अब आप हर दिन तो स्टेडियम में नहीं जाओगे, ना ही हर दिन ट्रेवलिंग करोगे और ना ही कहीं मार्केटिंग जाओगे, तो ब्लॉग बनाना है तो कैसे बनाएं? सो दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर बनने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। कंटेंट किसे कहते हैं? सो इन दिस ब्लॉग, तो दोस्तों मैं आप लोगों को चार टिप्स बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में कंटेंट कैसे डालें और आपकी वीडियो यहां से यहां पहुंच जाए। सो टिप नंबर वन, आप हमेशा अपनी वीडियो में क्या करोगे, पता है क्या करोगे? ये करोगे, यानी अपना एंगल, अपने कैमरे का एंगल हमेशा चेंज करते रहना है। और दोस्तों, आप अपनी ऑडियंस को कभी भी बोर फील नहीं करवाएं, अपना लोकेशन चेंज कर। अब दोस्तों, अब आप एक ही जगह पे बक 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 करते रहोगे तो कोई भी पक जाएगा भाई, कोई भी। तो इसलिए आप अपने एंगल को चेंज करते करते बात कीजिए, ताकि आपकी ऑडियंस की इंटरेस्ट आपकी वीडियो में बना रहे। अब बात करते हैं टिप्स नंबर टू की। देखो ना, क्या होता है कि कॉन्टेंट जो है वो हमारे आसपास ही होता है, बस हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है उसे और थोड़ी कलाकारी दिखानी पड़ती है बस, और आपकी वीडियो में एकदम बवाल मच जाती है और उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, बस इतना ही। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, ये है आम जिंदगी। ये है मेंटल जिंदगी, बस इतनी छोटी छोटी क्रिएटिविटी दिखाने लायक। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि आप एक वीडियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे शीशा रखने का मतलब ऐसे नहीं है, क्या मुझे ज़रूरी था कि मैं शीशे के सामने आके बात करूँ? इससे थोड़ी वीडियो अच्छी दिखे, यही सब छोटी छोटी चीज़ें फोकस करनी है। अब बात करते हैं टिप नंबर थ्री की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे झारखंड में बारिश कम हो चुकी है और धूप भी थोड़ी बहुत दिख रही है मुझे, तो मैं आप लोगों को भी दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो। आफ्टर सो लॉन्ग और बारिश कम होने की वजह से चलो अब जा सकता हूँ मैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए। आई फील रियली गुड अबाउट दैट। तो अभी अपन जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये जो कहानी है ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो मेरे साथ हुई थी 2 साल पहले, और जब आप सुनोगे ना तो आपके दिल में भी गुदगुदी सी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक एग्जांपल कि आप अपने छत या गैलरी पे आओ और बाहर का मौसम दिखाते दिखाते अपनी एक स्टोरी बता दो, लोगों को अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में, और नहीं आएगा तो पैसा आपका भाई देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टिप नंबर फोर की, जो कि है लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं तो आपको कॉन्टेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप जो भी अपने लाइफ में करते हैं, मतलब डेली लाइफ में, तो जस्ट हैव ए रिकॉर्ड एंड अपलोड दैट।
लेकिन एक अच्छी तरह से बतानी है और दिखानी है वो चीज़ें, ताकि आपकी ऑडियंस बोर फील ना करे। सो गाइज, ये थी 4 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये 4 टिप्स आप अपने ब्लॉग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। आई होप यू गाइज यू रियली इन्जॉय माई वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।